तो पर्वतारोही बलजीत कौर को लेकर सुखद खबर सामने आई है। पर्वतारोही बलजीत कौर को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। सुरक्षित अपने अन्नपूर्णा बेस कैंप पर पहुंची है बलजीत कौर। और पायनियर एडवेंचर के अध्यक्ष पसंग शेरपा ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य जांच के लिए अब इन्हें काठमांडू भेजा जाएगा। पहले सोशल मीडिया पर मौत की फेक न्यूज आ गई थी और लगातार इस न्यूज को लेकर चर्चाएं तेज थी कि पर्वतारोही का निधन हो गया है, लेकिन ये खबर गलत निकली है। फेक न्यूज लगातार वायरल हो रही थी और आपको बता रहे हैं हम, सुखद खबर ये है कि पर्वतारोही को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बर्फ में अक्सर देखा ये जाता है, जब ट्रैकर्स पहुंचते हैं तो बर्फ में दब जाते हैं, खो जाते हैं, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है और उस दौरान चलाया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बलजीत कौर की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो ट्रैकिंग के लिए निकल रही थी, जा रही थी, तब की इनकी तस्वीरें हैं। और उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था बलजीत कौर ने अपने ट्रैकिंग अभियान में जाने से पहले, वो आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। पेशेवर से मैं माउंटेनियर हूँ और बहुत से माउंटेन्स अभी क्लाइंब कर चुकी हूँ। 21 माउंटेन्स मैंने क्लाइंब किए हैं और लास्ट ईयर ही 5 8000 मैंने 30 डेज में क्लाइंब किए थे, जो कि इंडिया का रिकॉर्ड बना था, फर्स्ट इंडियन में बनी थी। एंड उसके बाद विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया है और भी बहुत से छोटे से, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। एंड अभी जो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं माउंट अन्नपूर्णा विदाउट ऑक्सीजन के लिए जा रही हूँ और अभी मैं नेपाल के लिए रवाना हो रही हूँ। अन्नपूर्णा दुनिया की सबसे डेंजरस पीक है, मैं उसे क्लाइंब करना चाहती हूँ विदाउट ऑक्सीजन। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी डेंजरस है कि लोग इसको डेडली पिक भी बोलते हैं। तो अन्नपूर्णा को डेडली पिक भी बोलते हैं और इसी को फतेह करने के लिए निकली थी बलजीत कौर, जिसके बाद कहा यह गया कि बलजीत कौर गायब हो गई है, उन्हें ढूंढा जाना शुरू हुआ। और राहत की बात यह है कि बलजीत कौर का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, जानकारी इसको लेकर सामने आई है। और हम आपको दिखा रखे हैं बलजीत कौर को लेकर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और विस्तार से ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से उन्हें बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। अन्नपूर्णा एक ऐसी चोटी है पर्वत की जहां पर ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है और यहां पर ये कंडीशन भी खड़ी हो जाती है कि अपने साथ ऑक्सीजन लेकर गए हुए पर्वतारोहियों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और बलजीत कौर ने टारगेट ये रखा था कि वो बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करेंगी। इसी दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई, इसके बाद कैंप से कुछ देर के लिए उनका कनेक्शन भी कट गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बलजीत कौर का सफल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बलजीत कौर के सहयोगी हैं, साथी हैं, ललित इनका नाम है, ललित यादव, और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित यादव जी, एक तो देखिए राहत की खबर है बलजीत कौर को लेकर कि चलिए उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। पहले कई तरह की खबरें आ रही थी, शायद आपने भी सुनी होंगी। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब के लिए ये राहत की खबर है कि जिस तरीके से सुबह सुबह हमें खबरें सुनने को मिली थी कि उनकी डेथ हो गई है, बहुत सारी एजेंसी इस चीज़ को क्लेम कर रही थी जबकि सही न्यूज़ किसी के पास नहीं थी, तो हम सबका मतलब दिमाग हिल गया था सुबह सुबह ये न्यूज़ सुन के। लेकिन मन नहीं मान रहा था और हमने लगातार टीम से बात करने की कोशिश की, जो टीम उनको एक्सपेडिशन करवा रही है, पायनियर एक्सपेडिशन, और हम लोग उनकी टीम के साथ मिलकर लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अभी लगभग 1.5 घंटे पहले हमें फाइनल कंफर्मेशन मिली कि हम उनके साथ जो कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने ऊपर से मैसेज भी किया लेकिन वो ज्यादा अच्छे से मैसेज करने की हालत में। चलिए, तो देखिए जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी है कि बड़ा मुश्किल ये रेस्क्यू रहा और बड़ी बात यह है कि उन्हें खबर ये मिली थी, क्योंकि लगातार फेक न्यूज़ चल रही थी अलग अलग वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर कि बलजीत कौर अब नहीं रही है, हालांकि फेक न्यूज़ ही साबित हुई, ये एक राहत की बात है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं ललित का। ललित जी, देखिए आप उनके पुराने सहयोगी रखे गए हैं बलजीत कौर के साथ, आप भी कई चोटियों पर गई होंगे है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम जो उनकी टीम थी उनसे बातचीत लगातार कर रहे थे, ऊपर चोपर्स भेजे जा रहे थे रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि 5-6 घंटे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था ऊपर से। और फाइनली उनकी टीम ने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि शी इज टोटली सेफ और कैंप 4 पहुंच गई, दूसरे शेरपा को उनके पास भेजा गया है। और अभी उनको वहां से
एयर रेस्क्यू एयर लिफ्ट करके बेस कैंप लाया गया है और इसके बाद उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए काठमांडू लाया जाएगा। तो हम सबके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि बलजीत कौर ने समिट तो कर ही लिया था और वो विदाउट ऑक्सीजन समिट करके जब वापस आ रहे थे तो मौसम बिगड़ने की वजह से एवलांच आया, क्या आया वो अभी पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो 3 से 4 फीट स्नो के अंदर दब गए थे, काफ़ी देर दबे रहे 4 से 5 घंटे के आसपास और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और सी इज़ टोटली सेफ। अब उनको एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए काठमांडू ले जाया जाएगा, बेस कैंप वो पहुंच चुके हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि वो सही है बिल्कुल। अच्छा ललित जी, अन्नपूर्णा चोटी जिसे फतेह करने के लिए बलजीत कौर निकली थी, इस चोटी को लेकर कहा जाता है बड़ा डेडली पिक है, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर पर्वतारोहियों को आ सकती थी? जी उन्होंने आज से इस पीक से पहले 7-8 थाउजेंडर्स को समिट कर लिया था जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, ठीक है, माउंट लोथ से भी शामिल है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि आज से पहले इससे ऊंची पीक नहीं की है, लेकिन जो टॉप 14 पीक्स हैं 8 थाउजेंडर्स हैं उनमें से वन ऑफ द डेडलिस्ट पीक माना जाता है माउंट अन्नपूर्णा को, क्योंकि इसके ऊपर मौसम लगातार बदलता रहता है, एवलांचेज आते रहते हैं, तो चढ़ाई के साथ साथ इसकी जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, जो टेक्निकल क्लाइंबिंग है वो भी बहुत रिस्की होती है। दूसरा मौसम जो बदलता है, बहुत अनप्रिडिक्ट मौसम रहता है यहाँ पे, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो सबसे बड़ी समस्या वो रहती है। तो एवलांच का खतरा, ठंड का खतरा और लो ऑक्सीजन का खतरा, हाई एल्टीट्यूड का खतरा, सारे खतरे एक साथ इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए इसको डेडलिस्ट पीक माना जाता है। अच्छा देखिए, बलजीत कौर को लेकर जिस तरह से पहले खबरें आ रखी थी कि 5 से 6 फुट वो धस गई थी बर्फ में और उनको ढूंढ नहीं पाया जा रहा था, किसी तरह का उनसे संपर्क नहीं हो रहा था, उस दौरान सोशल मीडिया पर आपने भी खबरें सुनी होंगी, कहा जा रहा था कि उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो रहा है, शायद उनकी जान चली गई है, उस दौरान किस तरह के उनके परिवार की तरफ से आप तक क्या कॉल आए या किस तरह से उसके बाद ये पता चला कि वो ठीक है, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया? जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि बिना सही जानकारी के एक पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चली कि उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे ज़्यादा बुरा तो वही लग रहा था कि हमें सही खबर भी नहीं मिली है, और इस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जब उनके परिवार को ये खबर पता लगेगी तो उनके साथ क्या होगा, उनके मेरे को ऐसा लगता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी उनके पैरों से, तो क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था इस चीज़ के ऊपर। तो इसी कोशिश में हम लगे हुए थे कि कोई ना कोई चमत्कार होगा और वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की है अपनी तैयारी में मुझे नहीं लगता कि वो हार मानेंगी, और हमारा भरोसा बिल्कुल सही उतरा, हम अपने भरोसे पे खड़े उतरे और बलजीत कौर बिल्कुल ठीक निकली वापस, और जी उनको कितनी देर लड़ना पड़ा लेकिन वो लड़ी और वो बिल्कुल सही सलामत आई। तो उनके परिवार के तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, वो क्या फील कर रहे होंगे, लेकिन हाँ इतना है कि किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ट्रैकिंग के दौरान बड़ी दिक्कतें आती हैं और अब जो देखा जा रहा है कि लगातार एवलांच आ रहा है क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में क्या एवलांच एक बड़ी वजह रह सकता है जिस तरह से गायब हो गई थी बलजीत कौर, इसको लेकर? आज के टाइम में ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या है ये जो बार बार एवलांच आते हैं, क्योंकि जो आइस है वो सॉफ्ट होती चली जाती है, वो पिघलती है, तो जो नई स्नो जो ऊपर से आती है वो जल्दी खिसकने के चांस होते हैं जैसे ही, इसलिए जो क्लाइंबर्स हैं वो रात को ज़्यादा क्लाइंब करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है रात को तो चांसेस थोड़े कम होते हैं रिस्क के, तो ये बहुत बड़ी समस्या है टेम्परेचर तो, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक रिस्क फैक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा देखिए ललित जी, बलजीत कौर ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, आपने भी उनके साथ कई बार ट्रैकिंग की होगी, किस तरह से उनका ट्रैकिंग को लेकर जुनून है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट रखा था अन्नपूर्णा एक डेडली पीक पर जाने का? मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं जुड़ा हूँ लेकिन पिछले लगभग 8-10 महीने से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हम जुड़े थे, हम लोगों ने एक वर्ल्ड की सबसे लंबी नॉनस्टॉप रिले रन किया था, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैंने उनसे कांटेक्ट किया था क्योंकि वो एक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी है साथ में, तो जब हम पूरे इंडिया में रन का प्लान बना रहे थे, दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप रिले करने का प्लान बना रहे थे और हमारा जो थीम था वो रन अगेंस्ट डिप्रेशन था, तब मैंने उनसे बात की थी कि हम इस तरीके से डिप्रेशन के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे दौड़ते दौड़ते पूरे देश में,
ठीक है, तो वो हमारी टीम के साथ जुड़ी थी और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और हम लोगों ने पूरे इंडिया में रन भी किया, लगभग 18 स्टेट हमने कवर किए उसके अंदर, और 9,490 किलोमीटर की हमने नॉन स्टॉप दौड़ लगाई थी, जिसमें हम लोग 17 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थे और हमारा स्पोर्टिंग स्टाफ हमारे साथ था, जिसमें हम लोग दिन और रात लगातार 40 दिन दौड़े थे। तो उसमें भी मैंने देखा कि बलजीत कौर किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के लिए रेडी रहती थी, उसको रात को 3 बजे उठ के दौड़ना पड़ जाए, चाहे दोपहर में 2 बजे उसको दौड़ना पड़ जाए, तो बलजीत कौर कभी पीछे नहीं हटी किसी भी चैलेंज से, चाहे वो कितनी थकी हुई है, उसने दिन में खाना खाया है या नहीं खाना खाया, लेकिन वो हर चैलेंज के लिए आगे रहती थी और बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करती थी, प्लस वो पूरी टीम को मोटिवेट करके रखने में हमेशा एक आगे स्टेप हमेशा रखती थी कि टीम को मोटिवेट करके रखा जाए, एक दूसरे को साथ लेके चला जाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के चला जाए, हमेशा होप रखती थी कि हाँ ये पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और यही चीज़ अभी सामने आई है कि जब इतनी सीरियस कंडीशन में वो फंसी है वहाँ पे, तो एक उम्मीद ही थी जो उनको बचा सकती थी वहाँ से, एक उनकी ट्रेनिंग थी जो उनको बचा सकती थी और हौसला था, और वो सब उनके काम आया और ऊपर वाले की दया से सब कुछ सही है और वो वापस आ गई है। अच्छा देखिए, बलजीत कौर को ट्रैकिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा जुनून है, उन्होंने बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह किया है, एवरेस्ट का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, अब अन्नपूर्णा चोटी का नाम भी जुड़ गया है। ट्रैकिंग को लेकर ये जो उनका जुनून है, एक लंबा उन्होंने इसको लेकर संघर्ष किया है, अलग अलग चोटियों पर वो फतेह करती रखी है, इसको लेकर किस तरह का जुनून आपने उनमें देखा है, किस तरह की उनकी इच्छाएँ हैं, क्या कुछ उन्होंने टारगेट रखे हैं ट्रैकिंग को लेकर? अपना नाम माउंटेन डॉटर इसीलिए नहीं रखा कि सिर्फ उन्होंने नाम रखने के लिए रख दिया, उनको पहाड़ों से प्रकृति से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, इसलिए वो अपने आप को पहाड़ों की बेटी मानती है, ठीक है, और वो कभी भी जब जितना उन्होंने मुझे बताया उनके साथ रह के जो हमें चीज़ें समझ आई है, तो वो कभी भी रिकॉर्ड बनाने के पीछे नहीं दौड़ती है, रिकॉर्ड बनाने के पीछे वो कभी भी पहाड़ नहीं चढ़ती हैं, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, हार्ड पुश करती हैं, मैक्सिमम अपनी लिमिट्स को पुश करती हैं और पहाड़ों में खो जाना चाहती हैं, मतलब पहाड़ों से इतना लगाव है उनको, प्रकृति से इतना लगाव है, वो सब उसका मतलब एक प्यार है उस चीज़ के लिए, जुनून है जिसके लिए वो करती है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम आपने बातें बताई कि किस तरह से बलजीत कौर ने एक लंबा करियर इन पहाड़ों से जुड़कर निकाला है, किस तरह से वो एवरेस्ट की चढ़ाई करती रही है, और उसके बाद अन्नपूर्णा पहाड़ को लेकर जब ये खबर सामने आई कि नहीं कहीं पर भी पता लग पा रहा है बलजीत कौर का, और उस वक्त हर कहीं सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रखी थी कि पायनियर एडवेंचर के अध्यक्ष की तरफ से अब ये जानकारी दी गई है कि वो तमाम खबरें झूठी थी, स्वास्थ्य जांच के लिए बलजीत कौर को काठमांडू भेजा जाएगा और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बड़ी बात यह है कि एवलांच का खतरा इस मौसम में देखने को मिल रहा है, अप्रैल का महीना है और गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में होता यह है कि बहुत तेजी से बर्फ पिघलती है, बर्फ के तूफान खड़े हो जाते हैं और माना यह जा रहा है कि बलजीत कौर भी ऐसे ही किसी बर्फ के तूफान की वजह से फंस गई थी। तो स्वास्थ्य जांच के लिए काठमांडू बलजीत कौर को भेजा गया है, राहत की खबर है कि पर्वतारोही बलजीत कौर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। अन्नपूर्णा एक डेडली चोटी है, पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि अन्नपूर्णा चोटी पर पहुंचना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहां पर मौसम बदलता रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है और बलजीत कौर ने जो टारगेट रखा था वो बहुत बड़ा था, उन्होंने बिना ऑक्सीजन के इस चोटी को फतेह करने का टारगेट रखा था और उन्होंने अपना टारगेट पूरा भी कर लिया था, लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तो बताया जाता है इसी दौरान वो एक हादसे की शिकार हो गई थी, कई घंटों तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और अब बलजीत कौर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जाता है चॉपर की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया है, बलजीत कौर को पहले बेस कैंप लाया गया है और यहां से भेजा गया है काठमांडू जहां पर बलजीत कौर के स्वास्थ्य की जांच होगी क्योंकि बहुत ऊंची चोटी अन्नपूर्णा चोटी जहां पर कि बलजीत कौर फतेह करने के लिए गई थी और यहां पर बलजीत कौर बताया जाता है एक तूफान में फंस गई थी जहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया।